दोस्तों हमारे चैनल के कॉर्नर वीडियो के साथ। मेरे भाई जो मेन स्पीकर है वो अभी सो रहा है, तो इसलिए मैं आज करूंगा ये। स्टॉप, मैं जाग गया। ओए छोटे निकल। हेलो दोस्तों, इंट्रोडक्टरी पार्ट तो जॉश ने ही बोल दिया, तो मैं डायरेक्टली मुद्दे से शुरू करता हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैसे लॉकडाउन ने इंडिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इंडिया में कोरोना वायरस, जिसे मैं प्यार से मिस्टर वायरस बुलाता हूँ, से बचने के लिए सरकार ने नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया था 25 मार्च 2020 पर। ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा नहीं पता। हाँ, नहीं पता। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लॉकडाउन के वजह से हम सब लोग घर में अटक गए, हमें घर से बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं है। लॉकडाउन के वजह से जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनका जाना बंद हो गया। जो लोग इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, और सब लोग एक ही चीज़ के बारे में हमेशा सोच रहे हैं कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इंडिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा जॉब्स का, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, और इंडिया के इकोनॉमी का भी। इस लॉकडाउन ने हर एक आदमी को यूजलेस बना दिया है। लेकिन हमें लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड्स भी देखने चाहिए। लॉकडाउन के वजह से बहुत फैमिलीज एक साथ बहुत समय कटा सकते हैं, हम कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं, और हमारे हॉबीज़ को हम चेरिश भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पैशन हो तो आप उसमें अच्छे होने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतने सारे चीज़ें नहीं बता सकता। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइज होता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन का नेगेटिव साइज का लेवल थोड़ा ज़्यादा है पॉजिटिव साइज के मुकाबले। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, कम से कम घर से बाहर निकलना होगा, और अगर हम निकले भी तो मास्क ज़रूर पहनना होगा। अगर हम ये सब प्रिकॉशंस मेंटेन करें तो मिस्टर वायरस से हम ज़रूर बच सकते हैं और एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप ज़रूर याद रखना। अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक देना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। शुक्रिया दोस्तों, हैव अ नाइस डे। वीडियो कर बाबा।